जिससे मर्जी कर लो कोई बात ऐसा बनाया लेफ्ट राइट आपकी मर्जी है बेटा, आप राइट पे बना सकते हो आपकी मर्जी, लेफ्ट पे बना सकते हो वो भी आपकी मर्जी, हम दोनों नहीं बना सकते, दोनों नहीं बना सकते, एक कार्बन पे दो डबल बॉन्ड स्टेबल नहीं होते। एक्टिव मिथाइलिन में तो यही पार्टिसिपेट करता रहता है, बाकी दोनों की बारी नहीं आने देता। CH2 को ना मिथाइलिन कहते हैं, जैसे C2H कहते हैं कॉमन में, कॉमन सिस्टम है ये सब, ये जितना अल्फा बीटा मिथाइलिन एसिटीन एसिटोन ये सब कॉमन सिस्टम है, इसका कॉमन लिख लिया था, इसका कॉमन नेम है एसिटाइल एसिटोन। यहां पे इंट्रा मॉलिक्यूलर नाउ देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ आ गया? नेक्स्ट एग्जाम्पल CH3CO इट इज इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल। बट इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसलिए क्योंकि विद इन द सेम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। CH3COH CCH3 double bond COCH3 again intramolecular hydrogen bonding is possible। नेक्स्ट नेक्स्ट में बताओ आयुषी टॉटमेरिज्म होगा कि नहीं? नेक्स्ट में यस मैम, ये अल्फा हाइड्रोजन तो है ही है, सेंटर वाला टॉटोमेरिज्म नहीं कर सकता, अब इधर वाला और इधर वाला तो कर ही सकता है। मैम अलग अलग करेगा कि एक ही करेगा? अलग अलग एक ही करेगा, सेम ही आंसर है बेटा, अभी भी है, चाहे बीच में से नहीं हट गए हैं लेकिन अल्फा हाइड्रोजन आर स्टिल प्रेजेंट, तो टॉटोमेरिज्म अभी भी हो सकता है। आप इसमें बनाओगे CH2 डबल बॉन्ड COH CCH3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 इसमें होगी इनोल फॉर्म्स। इनोल फॉर्म्स आर जनरली लेस स्टेबल
then keto forms. Percentage of enol form depends on number 1 polar solvent, less enol. अगर आप वाटर में सॉल्यूशन लेते हो तो इनोल कम बनते हैं, कीटो ज्यादा रहते हैं. नंबर 2, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अगर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए तो इनोल की परसेंटेज थोड़ी सी बढ़ जाती है. थर्ड इज स्टेरिक हिंड्रेंस. स्टेरिक हिंड्रेंस इनोल. स्टेरिक हिंड्रेंस देयर विल बी लेस अब बताइए स्टीरिक हिंड्रेंस क्या होता है. स्टीरिक हिंड्रेंस का मतलब है थ्री डायमेंशंस में भीड़ इकट्ठी करना. ठीक है, थ्री डायमेंशनली भीड़ को स्टीरिक हिंड्रेंस बोलते हैं ऑर्गेनिक में. यानी हम ये कह सकते हैं कि राइट, थ्री डायमेंशन में ये सारी फिंगर्स इसके लिए एक भीड़ क्रिएट कर रही हैं, जिसकी वजह से ये मार्कर वहां तक मुश्किल से पहुंचेगा. तो हम कहेंगे फिंगर्स एंड थंब इज क्रिएटिंग स्टेरिक हिंड्रेंस फॉर द अटैक ऑफ दिस मार्कर. राइट, तो ये जो कंसेप्ट हम लगा रहे हैं इसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस. तो स्टेरिक हिंड्रेंस एक थ्री डायमेंशनल कंसेप्ट है. हम कहते हैं जब भी किसी भी चीज पे कोई अटैक होना हो, अगर एक छोटी सी बॉल के चारों तरफ चार फुटबॉल रख दी जाए और फिर हम सोचें कि वो छोटी सी बॉल के ऊपर हमने एक निशाना लगाना है, तो वो फुटबॉल स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगी. तो आपका हर निशाना फुटबॉल पे टकरा सकता है, उस सेंटर वाली बॉल पे नहीं टकरा पाएगा. ठीक है, और अगर छोटी सी बॉल वैसे रख दें तो चांसेस बढ़ जाएंगे, आप निशाना लगाओ तो टक कर सकते हो. क्लियर हो गया? तो बट स्टीरिक हिंड्रेंस इट इज थ्री डायमेंशनल रेजिस्टेंस फॉर द अटैक ऑफ सम स्पीसीज. ठीक है, तो अब हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास कार्बोनिल कार्बन था, मैंने यहां CH3 लगा दिया और ये H लगाया, और दूसरी बार मैंने यहां पे दो H लगाए, C डबल बॉन्ड O. आप मुझे बताओ इन दोनों में कंटेंट ज्यादा बनेगा, किसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है? मैम दिस वन, फर्स्ट सो इनोल कंटेंट. इस अल्फा कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, लेकिन ये मिथाइल बड़ा सा बल्की सा क्या क्रिएट करेगा? भीड़. स्टेरिक हिंड्रेंस इज कंपैरेटिवली लेस. सो ठीक है, हम देंगे यहाँ पे मोर स्टेरिक. और यहाँ पे जो भी रिएक्टिंग है, जो भी अटैक कर रहा है ना, हम उसी को देखेंगे. हमने तो उसको देखना है जो रिएक्ट कर रहा है, बाकी उनके पास जितनी मर्जी भीड़ हो उससे क्या फर्क पड़ रहा है. हमने इसमें बस ये ठीक है, यानी बेसिकली हम ये मान के चल रहे हैं कि ग्राउंड में सिर्फ एक ही बच्चा है और आपने उसको मैसेज देना है, तो इट्स वेरी इजी टू गिव द मैसेज. तो आप किसको देख रहे हो? उस बच्चे को देख.
ऑल दो स्टूडेंट्स टू रीच एट दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट। ठीक है, इस कंसेप्ट को हमने स्टेरिक हिंड्रेंस का नाम दिया। अब यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, इसका मतलब लेस इनोल, ये कम इनोल परसेंटेज बनाएगा जबकि ये ज्यादा इनोल बना पाएगा। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट वाटर, अमोनिया जैसे, वो तो आपका एक फैक्टर है बेटा। पोलर सॉल्वेंट डालो तो परसेंटेज थोड़ी बढ़ जाए, परसेंटेज थोड़ी कम हो जाए। तो दिस इज अबाउट योर इनोल कंटेंट, यानी इनोल कंटेंट फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। डिफरेंट फैक्टर्स में डिफरेंट परसेंटेज ऑफ इनोल बन सकती है। वी हैव डिफरेंट फैक्टर्स, डिफरेंट परसेंटेज ऑफ इनोल। नाउ बी पार्ट, 1-3 शिफ्ट का सेकेंड पार्ट था नाइट्रो एसी। 1-3 शिफ्ट का एक और टॉपिक हमारे पास था, वो है नाइट्रो। जरा देखो, आपने सिर्फ 1-3 शिफ्ट समझ लिया और कुछ नहीं समझना। ठीक है, तो क्या ये ओ नेगेटिव, ये हाइड्रोजन हम यहां से इस ऑक्सीजन पे ले जाएंगे। वी आर गेटिंग डबल बॉन्ड एन ओ एच ओ, ये बना। पहले वाला ग्रुप नाइट्रो कंपाउंड्स था और इसको बोलते हैं एसाई कंपाउंड, नाइट्रो एसाई कंपाउंड्स। तो ये जो है इसमें भी 1-3 शिफ्ट हुआ, 1, 2 and 3। 1-3 शिफ्ट इनसे नाइट्रो एसी शिफ्ट। सी पार्ट, नाइट्रोसो ऑक्साइन, फिर से देखो एक बार। ये नाइट्रोसो ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन, वो हाइड्रोजन। शिफ्ट देखो कौन सी हुई, 1, 2, 3, 1-3 शिफ्ट हुई। इस ग्रुप को हम कहते हैं नाइट्रोसो और ये बना है डबल बॉन्ड NOH इज कॉल्ड ऑक्साइन। तो नाइट्रोसो और ऑक्साइन में जो अरेंजमेंट बना, इसको भी कौन सी शिफ्ट से लाया गया, 1-3 शिफ्ट से। इसका ये नाइट्रोसो इस फॉर्मूला याद करना है, N डबल बॉन्ड O इज नाइट्रोसो ग्रुप, NO2 इज नाइट्रो ग्रुप, ऑक्साइन इज डबल बॉन्ड NOH, दैट इज कॉल्ड ऑक्साइन ग्रुप। ये सारे ग्रुप्स आपको प्लस टू में फिर से मिलेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपको एक ही बार मिलेंगे। नाउ वी हैव, कैन यू अंडरस्टैंड इट, मैंने आपको ये एक कीटो फॉर्म दी है, क्या इसमें आप इनोल फॉर्म बना सकते हो? 1-3 शिफ्ट का एग्जाम्पल है, करके बताओ सर मुझे 1-3 शिफ्ट। बन गया, जिसमें दो हाइड्रोजन है या जिसमें एक हाइड्रोजन है, दो बार आपने ध्यान रखना। रिंग स्ट्रक्चर से आपने अल्फा उठाना है तो इस पे टिक लगा लो। ये वाला हाइड्रोजन जा ही नहीं सकता बच्चे, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और नहीं क्या करते। तो आप हमारे पास बना इसका इनोल फॉर्म, क्या आप ऐसा बना पाए? यानी जहां पे ऑक्सीजन है उसको OH कर दिया और उसके उसी कार्बन पे ईन लगा दिया है, तो आसान सही। मुझे बस वो डबल बॉन्ड ठीक नहीं, अच्छा डबल बॉन्ड वहां से वहां चला गया। अब ये जो इनोल है दिस इज फिनोल और ये 99.99% तक स्टेबल है,
और वो बहुत ही कम इतना भी स्टेबल क्यों है कि वही सब कुछ बन गया, दूसरा बना ही कुछ नहीं। नेक्स्ट क्लास में इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? हाँ जी बेटा, अभी भिजवा रही हूँ।